भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक तरफ देश भर में CAA का विरोध हो रहा है, वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ लोग CAA के समर्थन में हैं और समर्थन में रैली भी निकाली जा रही है। महाराष्ट्र में भी CAA के समर्थन में रैली निकलने वाली है 9 फरवरी को, मगर उसके पहले महाराष्ट्र में पोस्टर लगने से खलबली मची हुई है, जो पूरे मुंबई में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। MNS और शिवसेना में पोस्टर वार शुरू हो गया है। 9 फरवरी को MNS प्रमुख राज ठाकरे नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली करने वाले हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के सामने MNS ने पोस्टर लगा दिया है, जिसमें घुसपैठियों का जिक्र किया गया है और बांद्रा खाली करने को कहा गया है। पोस्टर में कहा गया है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यदि आप अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में गंभीर हैं तो अपने बांद्रा इलाके को साफ करके शुरुआत करें, जो घुसपैठियों से भरा हुआ है। बुधवार को CM उद्धव ठाकरे ने कहा था कि CAA से डरने की ज़रूरत नहीं है, मगर साथ ही ये भी कहा कि NRC लागू नहीं होने देंगे, इसका असर सभी धर्मों पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने पार्टी के मुखपत्र सामना में अपने तीसरे साक्षात्कार में कहा कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी शरणार्थी को देश से बाहर निकालना शिवसेना की पुरानी मांग रही है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।